नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम चना और मूंग की दाल को अंकुरित करके उसकी चाट बनाएंगे। तो ये एक कटोरी मैंने चना ले लिया है, एक बर्तन में इसको मैं डाल रही हूँ और इसे डेढ़ गिलास पानी डाल के भिगोएंगे फूलने के लिए। मूंग की दाल ले रहे हैं एक कटोरी, इसको भी एक बर्तन में भिगो देंगे। डेढ़ गिलास पानी डाल रहे हैं इसमें भी। चने और दाल को भिगो दिया है फूलने के लिए। तो ये देखिए 10 घंटे हो गए हैं, चने और दाल हमारे फूल के रेडी हो चुके हैं। अब इसे अंकुरित करेंगे। अंकुरित करने के लिए एक भगोना ले रहे हैं, इस पे हम जालीदार बर्तन रख रहे हैं। ये छेद वाला बर्तन है। तो ये चने को हम इसमें डाल दे रहे हैं, इसका सारा पानी निकल जाएगा। चने को एक साइड कर देंगे और इसके बगल में ही हम दाल को डालेंगे, दाल का भी सारा पानी निकल जाएगा। पानी से धुल लेते हैं। और इसे ढक देते हैं, ढककर रख देंगे अब इसे हम। तो ये एक भगोना लिया है, देखिए 15 घंटे बाद हमारी दाल और चने दोनों अंकुरित हो चुके हैं। इसे भी पानी डाल के अच्छी तरीके से धुल ले रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी दाल कितने अच्छे तरीके से अंकुरित हुई है, ये देखिए। और चना भी देखिए अंकुरित हो चुका है। आपको जितना खाना है आप उसी हिसाब से बना लीजिए। ये मैंने दाल ली है और ये चना ले लिया। चाट बनाने के लिए हमने ये लिया है, कुछ मसाले लिए हैं और मूंगफली ली है। तो चलिए चाट बनाते हैं। पहले इसमें खीरा डाल रहे हैं, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, पनीर, बादाम के कुछ टुकड़े हैं, मूंगफली जिनको हमने भिगो के 1-2 मिनट के लिए रख दिया था, आप भून के भी ले सकते हैं। जीरा पाउडर डाल रहे हैं इसमें, चाट मसाला, काला नमक, काली मिर्च, इनको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हरी धनिया डालेंगे, नींबू डालेंगे, अंकुरित चने और दाल रेडी है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए।